करती हूँ। आइए कुछ आज की खास खबर देखते हैं। रांझणी ग्राम पंचायत ने किया सीमेंट रास्ते का घटिया काम। आरबी ऑफिसर पकड़े गए आलोक वर्मा के घर के बाहर। अब जियो 4G के बाद तैयार है 5G के लिए। अब खबरें विस्तार से। रांझणी ग्राम पंचायत ने किया सीमेंट रास्ते का घटिया काम। भंडारा जिले में ग्राम पंचायतों के माध्यम से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के तहत बड़ी मात्रा में सीमेंट रास्तों का निर्माण कार्य शुरू है। बताया गया कि पूरे जिले के करोड़ों रुपए इस कार्य पर खर्च किए जाते हैं। खास बात यह है कि ग्राम पंचायत भले ही खुद काम करने की बात कहती है, लेकिन खुद काम न करने हुए ठेकेदार के माध्यम से कमीशन खोरी के चक्कर में घटिया मटेरियल इस्तेमाल कर बड़ी पैमाने में निकृष्ट दर्जे का काम किया जाता है। ऐसी ही एक घटना जिले के ग्राम योजना में घटी है। ग्रामीण रोजगार हमी योजना के माध्यम से बनाया गया सीमेंट रास्ते में घटिया दर्ज मटेरियल इस्तेमाल करने का आरोप खुद सीमित सदस्यों ने लगाया है। शिवसेना के पदाधिकारी ने आरोप किया है कि इस रास्ते की जांच करने दोषियों पर कार्रवाई करे, अन्यथा रास्ता रोको आंदोलन की धमकी भी रोजगार हमी समिति सदस्यों ने दी है। आइए देखते हैं हमारे भंडारा ब्यूरो चीफ निशांत लांजेवाल की खास खबर। काम करने वाले जो लेबर था, निकाले थे आपने? नहीं, हमारे जैसे टेंडर नहीं निकाले। इसमें तीन काम थे, इतने रुपए के। इसमें इतने रुपए के पूरे मिला के कंस्ट्रक्शन ऑफ सीमेंट कंक्रीट रोड फ्रॉम मंगल मूर्ति रोकड़े टू प्रकाश भुकरे, प्रतीक्षा ठाकरे टू करंडला राजनी रोड एंड काशीनाथ बहुते टू नीलकंठ भुकरे हाउस की पूरी लंबाई है 290 मीटर। हाँ, तीनों काम मिला है। मटेरियल टेंडर पे भाई, मटेरियल टेंडर पे। मटेरियल टेंडर पे बांधकाम करने वाले लेबर कहाँ से आते हैं? राजनी के। राजनी के ये जो क्या मतलब रजिस्टर्ड है कि लोकल है? एमआरजीएस पे मस्टर निकलता है, मस्टर के ऊपर जो रहते हैं लेबर वही है। टेक्निकल पर्सन अपना है, तांत्रिक पैनल अधिकारी पंचायत समिति से। पंचायत समिति से उनके गाइडलाइन के ऊपर ये काम होता है। इसमें वो आप जो बोल रहे हैं वैसा प्रकार नहीं हुआ है। मुझे मेरे ध्यान में आई थी वो बात, पर वो हटाने के लिए हमने सूचना दिए थे और वो जो रहती थी वो हटा दिए थे वहाँ से। जो तो अभी जो दो रास्ते के लिए जो इस्तेमाल किया गया, हाँ, हमने जो शूटिंग किया उसके बाद में वो हटाई गई। नहीं, वो जो मिट्टी मिलाई हुई जो रीति थी वो दिनों से रखी हुई थी, हटाने के बाद में वही रीति का इस्तेमाल जो दलित बस्ती में जो रास्ता बनाया गया, हाँ, उसमें इस्तेमाल की गई। यहाँ से हटा कर वहाँ के उस रास्ते में इस्तेमाल की गई। क्या कहना आपका? इसके बारे में तांत्रिक पैनल अधिकारी को भी बताए थे, उन्होंने भी टेस्ट किए थे। मटेरियल घटिया नहीं था, अच्छा था। और जो मिट्टी मिली हुई रहती थी वो हमने सीमेंट के कंक्रीट के लिए यूज नहीं किए, वो वहाँ पे ग्राउंड लेवल लेवलिंग के लिए भरण काम के लिए जो वहाँ पे नीचे वगैरह रहती वहाँ पे यूज किए। मास कंक्रीट के लिए तो इस्तेमाल किए नहीं किए, मास कंक्रीट के नीचे जो लेवलिंग के लिए यूज किए। बता रहे हैं कि मास कंक्रीट के पहले कोई लेवलिंग की नहीं गई है, पहले से मुरम कर मुरम कर साइड साइड में भरने के लिए यूज हुआ है। आप गलत जानकारी दे रहे हो, आप मीडिया के सामने बात कर रहे हो, थोड़ा सोच समझ कर आप स्टेटमेंट दीजिएगा। क्योंकि जो मैंने जो स्टार्टिंग लेवल से स्टार्टिंग से मेरे पास में जो उसकी फुटेज अवेलेबल है, क्योंकि मैंने ग्राउंड लेवल पर उसकी शूटिंग किया है, वही ऐसा मास कॉर्बेट के पहले लेवलिंग की नहीं गई है, मुरम के ऊपर ही रास्ता डाला गया है, बनाया गया है, और वही इस्तेमाल इस तरह की गई है। सही बात है ना, मैं क्या बोल रहा था, इसके लिए मैंने वहाँ पे सूचना किया था ये रीति हटाने के लिए। उसके बाद में मेरे दो दिन दूसरे गांव के रहे थे, वो दो दिनों में वो रीति मटेरियल वो साइड फिलिंग के लिए और क्या बोलते उसको जहाँ जहाँ नीचा है यानी खड्डे वगैरह वहाँ पे भरे करके मुझे सूचना मिली सरपंच की तरफ से, इसलिए मैंने आपको ऐसा बताया कि वो ग्राउंड लेवलिंग के लिए यूज हुआ है। इसके लिए जो मटेरियल या मशीनरी जो अवेलेबल करना पड़ता है, क्योंकि हमारे इसमें आप बोल रहे हैं कि कोई टेंडरिंग नहीं है, और जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया मतलब मशीनरी जो इस्तेमाल करना पड़ता है, तो ये मशीनरी के लिए कुछ अपने निविदा निकाली थी, ऐसे ही बोला है निविदा निकाले थे मटेरियल किसके तरफ से? प्रनेट रीडर्स। प्रनेट रीडर्स। प्रनेट रीडर्स।
हाँ, टेक्निकल पर्सन के ने जो सूचना की है एस्टीमेट के हिसाब से उसके हिसाब से काम हो रहा है। अच्छा मुझे बताया कि जो आपको जो आपका जो टेंडर साल भर का जिसमें टेंडर के हिसाब से जो टेंडर में जो सीमेंट या बाकी मटेरियल जो सप्लाई करने का और उसका रेट जो डाला जाता है क्या वही सीमेंट सप्लाई हो जाता है या दूसरे कंपनी का दिया जाता है? नहीं, जो आप टेंडर में मंजूर रहता है वही देते हैं। आप मुझे बताओगे कि आपकी ये सीमेंट रस्ते के लिए किस कंपनी का सीमेंट इस्तेमाल किया गया? उसमें 53 ग्रेड का सीमेंट है, वहाँ पे कंपनी का नाम नहीं है टेंडर में। अच्छा, 53 ग्रेड का सीमेंट यूज होता है और वो सीमेंट हम बुलाते हैं उनकी तरफ से। तो आपके हिसाब से काम बिल्कुल मजबूतीकरण से हुआ है और अच्छा हुआ? मेरे हिसाब से यानी ग्राम पंचायत राजनीति के माध्यम से रोजगार हमी योजना के माध्यम से जो सीमेंट का रास्ता बनाया गया है, हम बात करेंगे रोजगार हमी योजना के तालुका स्तरीय समिति के शासकीय समिति के सदस्य उत्तम जी मेश्राम हमारे साथ में है। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते कि समिति की तरफ से सदस्य के रहते क्या कार्रवाई करेंगे। उत्तम जी मुझे बताइए कि राजनी में सीमेंट के रास्ते का निर्माण कार्य जो शुरू है बहुत ही घटिया दर्जे का निर्माण कार्य शुरू है, करीबन 11 लाख रुपए का खर्चा उसके ऊपर हो रहा है लेकिन काम निकृष्ट दर्जे का हो रहा है, आपको क्या कहना है? त्या कामाबद्दल असं आमचं म्हणणं आहे की आम्ही एक म्हणजे रोजगार समिती समितीचे एक सदस्य असून ज्याची जेव्हा आम्ही प्रत्यक्ष चौकशी केली त्यावर असं निदर्शनामध्ये आलं की जो तिथलं जो म्हणजे सिमेंटचं काम आहे तो बिलकुल म्हणजे निकृष्ट दर्जाचा आहे, तिथं सलाखेचा बरोबर वापर झालेला नाही आणि म्हणजे त्या कामामध्ये अनियमता म्हणजे दिसून येत आहे आणि या प्रकारची तक्रार आम्ही खंडविकास म्हणजे अधिकारी आणि वरिष्ठांकडे करणार आहोत। यदा कदाचित या प्रकरणाची दखल कुणाकडून घेण्यास समजा नाही आल्यास आम्ही तालुक्यामध्ये रोजगार हमी देखरेख समिती सदस्य या नात्यानं पूर्ण आपल्या तालुक्यामध्ये रस्ता रोको केल्याशिवाय राहणार नाही। सर जी, मैं जब काम पर गया, काम देखा, देखने के बाद में जब नीचे से हम देखते हैं तो वो पूरे जो रोड होता है उस पे पूरा मटेरियल डाले उन लोगों ने, जो रेती रहती है वो पूरा गागरा माती थी, उसका काम बराबर नहीं था, वो पद्धति से वो काम चल रहा है। यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि तालुके में जितने भी जो कुछ काम चल रहे हैं पूरे गलत चल रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे माध्यम से इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। राजनीति के बारे में आप जांच करने के करने के लिए क्या करेंगे? हम आंदोलन करेंगे सर जी, अगर उनके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम आंदोलन छेड़ देंगे लाखांतुर के अंदर में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना 2018-19 के माध्यम से ग्राम पंचायत राजनी भंडारा जिले की ग्राम पंचायत राजनी है, वहाँ यहाँ पर एक सीमेंट कंक्रीट रास्ते का निर्माणाधीन कार्य शुरू है। आप देख रहे इस बोर्ड पर अकुशल काम के लिए यह राशि दी गई है और कुशल काम के लिए भी राशि दी गई है। करीबन 11 लाख रुपये का ये सीमेंट का रास्ता यह निर्माणाधीन है, इसका काम चालू हो गया। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि रास्ते का निर्माण काम निर्माणाधीन कार्य करते समय इस रास्ते के लिए निकृष्ट दर्जे का मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आप रेत देख रहे हो, ये रेत भी बहुत ही घटिया दर्जे की मिट्टी मिश्रित रेत का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है, बिल्कुल निकृष्ट दर्जे का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और काम करते समय यहाँ टेक्निकल पर्सन कोई भी या टेक्निकल पर्सन उपस्थित नहीं रहता है। एक ग्राम पंचायत एजेंसी ग्राम पंचायत यहाँ पर लिखी हुई है लेकिन कोई ग्राम पंचायत के माध्यम से काम नहीं हो रहा है, कोई एक खासगी ठेकेदार के माध्यम से यह काम किया जा रहा है। लेकिन काम करते समय किसी भी टेक्निकली जो मुद्दे होते हैं उसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और ख़ास करके जो यहाँ मटेरियल जो इस्तेमाल किया जा रहा है बिल्कुल घटिया दर्जे का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि ये निर्माणाधीन काम कार्य जो है ये बहुत ही निकृष्ट दर्जे का होने वाला है, इसका लाइफ बहुत ही कम होने वाला है।
इसी तरह से लाखांदूर तहसील में नहीं बल्कि पूरे भंडारा जिले में इसी तरह से निकृष्ट काम करके लाखों रुपए का गबन किया जा रहा है। मनीषाद लांजेवार, MNS न्यूज, भंडारा। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी में चल रहे घमासान अब सबके सामने है। मामले में गुरुवार को तब उथल-पुथल मच गई जब छुट्टी पर भेजे गए डायरेक्टर आलोक वर्मा के घर के बाहर चार लोगों को पकड़ा गया। सुबह करीब 7 बजे चार लोगों को आलोक वर्मा के घर के बाहर खड़े सुरक्षा गार्ड ने पकड़ा। जब छानबीन हुई तो उनके पास इंटेलिजेंस ब्यूरो के कार्ड मिले। हालांकि दोपहर होते होते इन सभी को छोड़ दिया गया। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के CMD मुकेश अंबानी ने कहा कि आने वाले कुछ वर्ष में भारत मोबाइल डाटा के इस्तेमाल में विश्व में नंबर 3 देशों में शामिल हो जाएगा। डाटा की उपलब्धि भारत की सबसे बड़ी ताकत होगी। 2020 तक हर भारतीय के हाथों में 4G मोबाइल होगा। मुकेश ने कहा कि जियो अब 5G के लिए तैयार है। वह दिल्ली में आयोजित मोबाइल कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS इंडिया डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।